दिल्ली में युवक के हथौड़े से हत्या का एक पूरा मामला सामने आया। मृतक के भाई पर हत्या का आरोप लगा है। हत्या के बाद शव को बेड के नीचे छिपा कर रखा गया, तो एक बहुत ही बड़ा क्राइम सीन एक बार फिर से दिल्ली में देखने को मिला है। बेड पर दो दिनों तक आरोपी भाई सोता रहा। दो दिनों के बाद खुद उसने पुलिस को यह सच बताया। तो मृतक के भाई पर ही हत्या का आरोप लगा है और दिल्ली में युवक की हथौड़े से हत्या करने का यह मामला सामने आया है। और बहुत ही हैरानी करने की जो बात है वो ये कि उस बेड पर वो दो दिन तक सोया रहा, वो भाई जिसने अपने भाई की हत्या कर दी, और दो दिनों के बाद उसने खुद पुलिस को जाकर इस पूरे मामले का सच बताया है। दिल्ली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर एक भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी है और हत्या के बाद दो दिनों तक शव को बेड के नीचे छिपा कर रखा। हत्या के लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल किया गया वो हथौड़ा था, जो बेड का बॉक्स होता है उसी के भीतर उसने लाश को छिपाए रखा। हालांकि दो दिन बाद जब लाश से बू आने लगी तब जाकर आरोपी ने खुद पुलिस को जाकर इस पूरे वारदात की सच्चाई बताई। हथौड़ा और चाकू पुलिस ने बरामद कर लिया है और बहुत ही हैरान करने वाली बात है, रिश्तों को तार तार करने वाली बात है कि कैसे एक भाई अपने ही भाई का हत्यारा बन जाता है और लाश को ठिकाने नहीं लगा पाने में जब वो अक्षम रहता है तो अपने ही बेड बॉक्स के अंदर अपने भाई के शव को रख कर रखता है। दिल्ली से मेरे सहयोगी राजू राज मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजू, दिल्ली में किस इलाके का यह मामला है और क्या पहचान हो पाई है भाई की, कौन है वो, पूरा केस आप शुरू से समझाइए। बिल्कुल, बता दूं कि ये घटना दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके की है जहां पर एक भाई ने अपने भाई की हत्या कर दी। जिस भाई की हत्या की उसका नाम जय किशन है, 23 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। जय किशन नशे का आदि था और अपने ही माँ पे उसने थप्पड़ लगाए थे और घर में लगातार झगड़ा करता रहता। इस बात से लेकर परिवार में आपसी कलह लगातार हो रही थी और इसी दौरान भाई ने अपने भाई की हथौड़े से मारकर हत्या कर दी और उस वक्त घर में उसके पिता भी मौजूद थे। उसके भाई के शव को वो ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो लगा नहीं पाया और घर के अंदर बेड में ही दो दिनों तक शव को छुपा के रखा और उसके बाद शव को पास के एक पार्क में फेंकने की कोशिश की और उसके बाद खुद थाने जाकर पुलिस को इत्तला दी कि उसने अपने भाई की हत्या की है। उससे पूछताछ के बाद भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसके साथ साथ उनके पिता को भी हत्या में साजिश और शामिल होने के कारण उन्हें भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है और हत्या में जो हथियार यानी जो हथौड़ा इस्तेमाल किया गया था उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया गया। लेकिन जिस तरीके से रिश्तों का कत्ल हुआ उसे लेकर कहीं ना कहीं कई सवाल भी खड़े होते हैं कि कैसे अगर एक भाई नशे का आदि है तो उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजकर उसको ठीक किया जा सकता था, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश की जा सकती, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ जिसके वजह से गुस्से में आकर भाई ने अपने भाई की हत्या कर दी। राजू, ये जो केस है आपने पूरा समझाया मुझे, ये केस सुनकर एक और केस याद आया जहां पर एक बेटे ने अपनी दादी की हत्या की, अपने माता पिता की हत्या की और अपनी बहन की हत्या कर दी थी क्योंकि वो भी नशे का आदी था। और यहां पर भी कुछ ऐसी ही बात सामने आई है कि नशे का आदी था, माँ को थप्पड़ मारा करता था और पिता ने उसका सहयोग किया है इस पूरे हत्याकांड में। यानी कि ये दिखाता है कि किस तरह से नशा जो है वो युवाओं को अपनी जद में ले रहा है, रिश्तों को तार तार कर रहा है और रिश्तों की मर्यादाओं को तो भूलना बहुत दूर की बात है, रिश्तों का मतलब ही भूल गए हैं लोग। किस तरह से एक भाई की हत्या कर सकता है और कैसे एक पिता इस बात के लिए राजी हो सकते हैं कि एक बेटा उनके दूसरे बेटे की हत्या कर दे, कैसे वो इस मामले में शामिल हो सकते हैं? बहुत गंभीर सवाल नहीं है? देखिए, बिल्कुल गंभीर सवाल है कि घर में एक शख्स अगर नशे की आदी है और नशे में पारिवारिक झगड़ा कलह होते हैं तो उसका उपाय निकालने की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहां तक पिता के शामिल होने की बात है, उस समय घर में परिवार के लोग मौजूद थे और कहीं ना कहीं गुस्से में ये हत्या को अंजाम दिया गया, लेकिन चूंकि उनसे ये हत्या हो गई उसके बाद इस हत्या को छुपाने की कोशिश की गई और जिस तरीके से जिस भाई की हत्या हुई है, जय किशन नाम है, 23 साल है, तो वो परिवार के लोग बेशक ये नहीं चाहते होंगे कि उसकी हत्या हो, लेकिन सवाल है कि वो जब नशे में अपनी माँ के साथ ही मारपीट और झगड़ा करता था, इस बात को लेकर परिवार में अक्सर कलह होता था और ये उसी का नतीजा है। तो कहीं ना कहीं नशा एक सबसे बड़ा
एक कारण है। दिल्ली एनसीआर में लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम ऐसे बिल्कुल नशे की वजह से, राजू नशे की वजह से न केवल रिश्ते खत्म होते हैं, परिवार टूटते हैं, बल्कि मानवीयता भी धीरे धीरे क्षरण होती जा रही है, लोगों के अंदर इंसानियत खत्म होते जा रही है। और इस तरह के मामले एक बार फिर यही संदेश देते हैं कि अगर हमारे परिवार में या हमारे आसपास इस तरह के लोग हैं जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं या नशे के आदि हैं, तो रिहैबिलिटेशन सेंटर उनका ठिकाना है, न कि घर में किसी आपराधिक वारदात का हमें इंतजार करना है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।